तो गाइज हमारा जो केज था पिजन का तो कंप्लीट हो गया भाई, कलर वगैरह देख के एकदम रेडी हो गया। तो भाई मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे जुगाड़, तो ये नीचे ना ऐसा खाली था, तो भाई अभी पिजन जब टॉयलेट वगैरह करेंगे तो इसके ऊपर गिरेगा तो हमें इजी हो जाएगा यार फेंकने वगैरह के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले कागज़ वगैरह डाले थे तो नीचे बहुत ज़्यादा गिरते थे तो इतना अच्छा नहीं लगता था। अभी मैंने क्या जुगाड़ किया है, यहाँ पे मैंने डाले हैं भाई बॉक्सेस, जो कि भाई अभी ये जब ख़राब होते जाएंगे 7-8 दिन में, तो हम ये डायरेक्ट सीधा बॉक्स के बॉक्स निकाल ले जाएंगे और ये फेंक दे जाएंगे और यहाँ पे फिर से न्यू बॉक्स ऐड कर दे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कल ब्राउनी दे दो, ब्राउनी का जो एक था ब्राउनी ने यहीं पे दे दिया। हे गाइस वेलकम बैक, द डेजी फिश में आपका फिर से वेलकम। तो हमारे पिजन के लिए मैंने फूड वगैरह ऑर्डर किया था तो वो भी आ चुका है, तो अभी मैं ऊपर लेके आता हूं, फिर आपको मैं मिलता हूं। तो हमारे जो पिजन का फूड है भाई वो भी आ चुका है फाइनली, और मैंने ऑर्डर करके भाई 7-8 दिन हो चुके, तो फाइनली हमारे गिव वगैरह आ चुके हैं। तो भाई मैं अभी क्या करूँगा, इनको भाई इन डब्बों के अंदर मैं इनको स्टोर करके रखूँगा। भाई स्टोर क्यों करके रखूँगा यार, यहाँ पे हमारे अभी इतने ज़्यादा चींटियाँ हैं ना यार, चींटियाँ क्या करती ना, एक एक करके सब गेहूँ ना खा जाती है, इसकी वजह से मैं ना डब्बों में पैक करके रख दूंगा, हमें जब लगेगा हम तब निकालेंगे। तो चलो भाई डब्बों में भरते, फिर आपको मैं मिलता हूँ। तो सारे हमारे जितने भी डब्बे थे सारे लोड हो गए भाई फूड से, तो देखो यार नीचे बहुत ज़्यादा गिर गया, तो अभी मैं साफ सफाई करके फिर से मैं इनमें भर लेता हूँ। मैंने सारा फूड कुछ भर लिया भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई यार, और मैंने यहाँ पे ना स्टोर करके रखा हमारे स्टोर रूम में, जो फिश वाला हमारा फूड वगैरह यहाँ पे सब एसेसरीज वगैरह रहती है ना, तो मैंने यहाँ पे इनको स्टोर करके रख दिया। तो हमारे पास है ना दोस्तों अभी बहुत सारा स्टॉक है भाई हमारे पिजन के फूड का, तो अभी हमें कोई मारामार नहीं होगी। तो यार मैंने कल है ना ब्लडोम लाया था, ब्लडोम अभी हमारे फिशेस को नहीं देते, पहले ना डोरेमोन अपने नहीं शिफ्ट कर लेते यार पिजन सारे, क्योंकि ना अभी अंधेरा हो जाएगा, तो हमें कौन से पिजन रखने हैं भाई हमें, आपको मैं सिलेक्टिव पिजन हमें रखने हैं भाई, सिलेक्टेड मतलब देखो भाई जैसे कि ये वाला जो एक भाई यार इन्होंने तो अंडे वंडे नहीं दे दिए यार, से हम सारे केज हमारे पिजन नहीं रखने वाले। आपको पता है मैं बोला था कि भाई हमारे सारे पिजन नहीं रखने वाले, बाकी के जो पिजन है मैं मेरे दोस्त के पास दे रहा हूँ, क्योंकि ना यार सारे पिजन रखेंगे तो भाई हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं रखने के लिए। 12 ही डब्बे खाली ना, मतलब सिर्फ 12 डब्बे खाली भाई हमारे पास, इसकी वजह से ना हमें जो अच्छे पिजन है वही रखेंगे, बाकी जो मतलब भाई जाते भाई आते ही नहीं वैसे पिजन हम रखेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो भाई अभी पकड़ते हैं जो सिलेक्ट करने सिलेक्ट कर देते हैं, फिर आपको मैं मिलता हूँ। दोस्तों पिजन ने इतना ज़्यादा थका दिया यार, अभी सिर्फ हमारे इतने पिजन बाकी है, तो बाकी एक मिनट डोरेमोन, दो मिनट सिर्फ मुझे ना कंफर्म कर लेने दे हमें कितने पिजन यहाँ पे रखने हैं बाकी जाने वाले यार। तो देखो भाई हमें मैंने ना सबसे पहले ना लकी पिजन का पेयर रख दिया, और हमारा जो क्या था यार किंग भी रख दिया, और हमारा सिराजी भी रख दिया, जो कि भाई जाते ही भाई हमारे पिजन इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे यहाँ पे कि भाई जाते ही उन्होंने घोंसला संभाल लिया, कितने क्यूट दिख रहे। तो ऊपर वाला जो व्हाइट वाला है वो भी एक पेयर रहेगा, और इधर का जो रेड वाला है वो भी रहने वाला है, तो अभी इसमें से ना मैं चूज़ कर लेता हूँ, हमें जो रखने वही रखेंगे, बाकी मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे भिजवा रहा हूँ यार। चलो अभी कौन से रखेंगे, राजी भी रहने देंगे यार, मुझे अच्छे लगते हैं यार इसी राजी, बहुत अच्छा कलर है यार इनका। ठीक है यार ये भी रहने देते, चल ये पकड़ लेते, चल कल्लू तो है ही ना भाई कल्लू, चल भाई जा सिराजू, ये हमारा छोटा सिराजी का पेयर है और वो बड़ा वाला है सिल्वर कलर में, दूसरा सिराजी का इसका दोस्त। ओके चल जा भाई तू भी, अभी कौन सा लेने का, अभी क्यों नहीं ना भाई अपना कल्लू को ले यार सबसे पहले, हमारा कल्लू बहुत खतरनाक शैतानी, देखो भाई ये है हमारा कल्लू, जा कल्लू। बहुत सारे भाइयों को लगता है कि भाई कल्लू है ना ये वाला पिजन है, कहाँ गया रे, नहीं वो वाला वो देखो फुल ब्लैक है ना ये, तो ये कल्लू नहीं है भाई, इनकी दोनों की पेयर सेट है ना, ये भी ले लेते चल। तो भाई मैं इसको छोड़ देता हूँ, और इसका पेयर कहीं जो फीमेल है यार बहुत अच्छे लगते हैं यार मुझे भाई, ये देखो, और इनका एक हमारे पास बेबी भी, बाकी सब सारे बेबीज ना मैंने मेरे दोस्त को दे दिए, इनका एक बेबी कहाँ गया, वो ये वाला हाँ ब्लैक वाला, तो उसको तो मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे दे रहा हूँ, कितना बड़ा हो गया यार, ये सारे बेबीज हमारे इतने बड़े बड़े हो गए, तो मैंने मेरे दोस्त को ही दे दिए, ये भी हमारे दोस्त के पास ही जाने वाला है। तो आज इसको है ना यार कहाँ पे रखेंगे, नहीं इसको ना केज के अंदर रहेंगे देंगे, बाकी ना कल जाने ही वाला है ना मॉर्निंग में, खुलना ऊपर कर, अभी इसमें से जो कल्लू की फीमेल है वो भी निकाल लेते हैं यार, नहीं तो कल्लू बुरा मान जाएगा, जा कल्लू की फीमेल। और भाई हमने जो रेस्क्यू किया था, जो रेस्क्यू किया हुआ फीमेल थी, ये जो पिजन था ना भाई इसका जो पेट है ना भाई पूरा फटा हुआ था, तो ये रेस्क्यू किया हुआ पिजन है भाई मेरा, मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार रेस्क्यू किया इतना खूबसूरत पिजन। और कौन सा है,
और ये भी ले लेते हैं डोरेमोन, ये वाला एक आँख नहीं इसकी देख, ये वाला, ये पैर भी ले लेते। और भाई ये किंग भी रहेगा यार सबसे मेन। चल भाई तू भी चल, देखो भाई इसकी एक आँख नहीं है, मतलब एक आँख को क्या हुआ क्या मालूम। चलो भाई इसको भी ले ले, उसकी फीमेल को जा तू भी। और अभी ये इतने बचे तो क्यों, आपने कितने पेयर डाले यार ऊपर, तो सिर्फ चार चार चार, सिर्फ चार चार करके सिर्फ 12 ही जगह है। तो हमारे पास 1 2 3 4 वो 5 6 7 8 9 10 11 पेयर। फिर और एक इसकी जगह उड़ती ना भाई, पकड़ो उसको किंग को। ये देखो कितना खूबसूरत है ये भी, जा तू भी भाई। ये हमारा किंग भाई सेकंड वाला, हमारे द डेजी फिश का सबसे गुस्सेल पिजन। और ये हमारे द डेजी फिश की गुस्सेल पिजन की फीमेल। मोन कह रहा है कि ये जो पिजन का बीबी ना, ये रहने देते हैं हमारे यहाँ पे यार, इसके लिए जगह नहीं, इसलिए नहीं रख रहे ना अपन, रहने देंगे ठीक है, तेरी इच्छा है तो रहने दे चल। खूबसूरत तो है यार ये, इसे ना थोड़ा ये हुआ था ना, कुछ डिसीज हुआ था ना जिसको, ना फिर अलग ही रखते हैं ना इसको एक दो दिन के लिए, फिर ठीक हो गए। देखो इसके चोच को देखो भाई कैसे डिसीज हुआ है। तो ये डिसीज हमारे दूसरे पिजन का ना हो भाई, हाथ में भी नहीं आ रहा, कितना बड़ा है भाई, अपने घर घर पे रेडी हुआ है, लगता भी नहीं। चल फिर इधर केज में ही रखते ना इसको, चल जा भाई। ओके दोस्तों, मैं इनको यही देखना चाहता था भाई, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। देखो यार सारे पिजन ने घोंसले संभाल लिए, किंग ने तो सबसे ऊपर वाला लिया है भाई, क्या पता है किंग दूसरे पिजन को अंडे देने देता है क्या नहीं देता है भाई, देखते यार। फिलहाल के लिए तो हमारे सारे पिजन यार देखना, इनको जल्दी टोकरियाँ रखने होंगे डोरेमोन। तो दोस्तों हम कल बाजार जाएंगे और ना इनके लिए टोकरियाँ भी लेके आएंगे, तो इसमें अंडे वगैरह देंगे ठीक है, क्योंकि इनकी जो पहली वाली टोकरियाँ थी ना बहुत छोटी थी, इनको अच्छी नहीं, कम्फर्टेबल नहीं थी यार, इनके लिए अभी बड़ी टोकरी लाएंगे अपन, और कुछ लकड़ी वगैरह की ऐसी जुगाड़ करके लाने वाला हूँ मैं। पिजन ऊपर लेके जाती है, हमारे डव का केज है ये, डव को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट किया छोटे केज में। अरे ब्लड वॉर्म भी ले लेते ना हमारे फिश को फीड करने के लिए, एक मिनट, ब्लड वॉर्म मैंने यहीं पे रखा था सो मॉर्निंग में, कहाँ गया। ये रहा ब्लड वॉर्म, ये भी हमारे फिशेज को देंगे भाई। चल उठा भाई उठा, इतना भारी नहीं है। चल 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 जल्दी, यहाँ पर रख दें। हाँ ये डव यार छोटे केज में मैंने शिफ्ट कर दिए, तो अभी इनको यहाँ से निकाल कर है ना यहाँ पे शिफ्ट कर देते। और हमारे जो डव के जो अंडे दिए थे ये भी हमें आज कैंडलिंग करने हैं, मतलब हम मोबाइल के टॉर्च में देखेंगे भाई ये इनमें कुछ होगा भाई, बेबी वगैरह जो रेडी हो रहा होगा तो हम इनको रखेंगे, नहीं तो भाई दोनों के दोनों अंडे हमें फेंकने होंगे। और एक दो दिन में भी हमारे डब नीचे शिफ्ट हो जाएंगे कॉकटेल के साथ, जो कि हमें इस पे शिफ्ट करने हैं। और दोस्तों मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपका जो केज का जो ऊपर का जो पत्रा है भाई ऊपर व्हाइट कलर दो, क्योंकि व्हाइट कलर से क्या होगा ना धूप से बचा रहेगा, व्हाइट कलर का इतना ज़्यादा धूप नहीं आता। और मैं ब्लैक देना चाहता था ब्लैक। ओह शिट, हमारे एक पिजन का बेबी वहाँ पे बैठा है। अरे डोरेमोन ये वहाँ पे कैसे चला गया यार, किधर आ जाएगा ना यार। तो दोस्तों ये कह रहे थे कि भाई आपका जो केज है वहाँ पे व्हाइट कलर दो, तो व्हाइट कलर ही देंगे अपन। मैं रेड देने का सोच रहा था जो कि ये वाला है, बट इसे धूप इतना ज़्यादा ही नहीं रहेगा, तो भाई हम व्हाइट ही देंगे ठीक है। अभी सबसे फेवरेट काम करते हैं, हमारे जो फिश है उनको देते हैं भाई ब्लड वॉर्म, जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट फूड होता है भाई। डोरेमोन इसको खोलना, एक मिनट पकड़े इसे, कहाँ गए इधर है ना। ओके इतना। तो दोस्तों अभी हमारे गप्पे फिशेज को ब्लड वॉर्म दे देते हैं, जो कि उनका भी बहुत ज़्यादा फेवरेट फिश है यार। ऑलमोस्ट जितने भी ज़्यादा फिश होते हैं ना भाई, उनको सबको ड्राई ब्लड वॉर्म बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मैंने देखा यार, डालते इतने ज़्यादा खुशी से खाते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा शौक से खाते हो। अभी ठीक है, मैं हमारे जो गप्पे फिश है टक्सीडो गप्पी बलून मॉल या बलून प्लेटी को हम देख के देखते हैं भाई खाते हैं ना, वो देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे तो उन्होंने अटैक ही कर दिया यार, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है यार ये, तो ठीक है यार देख सकते हो कैसे खा रहे यार। होय 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 होय, इनको एक खाने में देने का एक अलग ही सुकून है यार। चलो भाई खा लो, एक भाई अलग ही भाई दिल को सुकून लगता है भाई। इनको मैं जब फीड करता हूँ ना शाम को भाई साहब, एकदम मज़ा सा आ जाता है भाई। तो देख सकते हो यार बलून मौली क्यों नहीं आ रही, क्या पता मतलब क्या हो गया यार, अचानक से इतना ज़्यादा सब हमारी गप्पी फिश आ रही है, प्लेटी फिश आ रही है, बलून मॉली नहीं आ रही यार, क्या पता क्या हुआ होगा उनको। यहाँ पे मैं ना एक स्पॉन्ज फिल्टर लगा देना चाहता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ी बहुत गंदगी भी हो रही नीचे, तो मैं सोच रहा था कि यार से ना 2 से 3 स्पॉन्ज फिल्टर लगा दूँ और थोड़ा डेकोरेशन कर देंगे हमारा गप्पी पॉन्ड।
यहाँ पे मौली 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 ने तो अटैक ही कर दिया भाई यहाँ पे। ओए होए 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 होए। तो दोस्तों काफ़ी सारे भाई मुझे पूछ रहे थे कि भाई आपका जो बॉब है कहाँ पे है, तो भाई मैंने बॉब है ना यहाँ पे छोड़ दिया था, क्योंकि ना भाई हमारा जो सेकंड वाला बॉब है उसको भी सेम डिसीज़ हुआ था पहले वाले बॉब जैसा। तो भाई मुझे इस बार भाई कोई रिस्क नहीं उठाना था, तो भाई मैंने सीधा उसको नेचुरल पॉन्ड में रख दिया। तो भाई नेचुरल पॉन्ड में इतना ज़्यादा एक्टिव है वो, भाई बता नहीं सकता यार। तो आप मुझे सजेस्ट करोगे कि भाई आपने बॉब को यहाँ पे रख दिया तो मौली फिश पे अटैक कर देगा। तो भाई मैंने ना इनको भाई 3 से 4 टाइम प्रॉपर फीड कर रहा हूँ, और ये देख सकते हो हमारा बॉब कैसे छुपा हुआ है यार नीचे। अभी मैं इसमें ना हाथ लगाने की कोशिश करता हूँ। ओए भग गया यार, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया डोरेमोन वो यहाँ पे। तो इनको मैं ना 3 से 4 टाइम पर डे, मतलब दिन में 3 से 4 टाइम इनको फूड दे रहा हूँ भाई अच्छा खासा। तो हमारा जो मैंगो है ना भाई, मैंगो बहुत ही ज़्यादा अभी हैप्पी है यार, उसके जो दोस्त है ना यार दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी। देखो हमारा मैंगो अभी ना दोस्तों, आप है ना मुझे ज़रूर सजेस्ट करना हमारे मैंगो के दोस्तों के नाम, ठीक है। अभी 5 बजेस हो गए हमारे पास, जो कि मैंगो है, मैंगो के पापा हैं, मैंगो की मम्मी है, और मैंगो की फ्रेंड है, नहीं मैंगो का ये दोस्त है वाइट वाला। तो मैंगो का ये जो वाइट वाला दोस्त है ना, आप उसका नाम मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है। जैसे हमने मैंगो का मैंगो रखा था, फिर अभी वाइट का जो मैंगो का दोस्त, तो आप मुझे उसका नाम सजेस्ट कर देना। क्या कर देना, ये जो डव्स है ना, डव्स यहाँ पे फिर से शिफ्ट कर देते हैं, और जो कैंडलिंग करते हैं हमारे डव्स के बेबीज को। तो भाई फाइनली मैंने इनको शिफ्ट कर दिया डव्स को, भाई बहुत मुश्किल से पकड़ा है इनको, क्योंकि और हमारे अभी इस डव के पैर की हम कैंडलिंग कर लेते हैं अंडों की। भाई खराब है, स्मेल आ रही है यार इसकी। तो इन्हें ये भी पूरा खराब है, अब हिल रहा है अंदर से, इसकी स्मेल नहीं आ रही बट खराब है। ये अंदर से पूरा हिल रहा है यार, देखो स्मेल आ रही है यार। तो हमारे डव के अंडे ख़राब हो चुके हैं भाई, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता था पहली बार, क्योंकि इन्होंने दिए थे भाई पहली बार एग, और मैंने बर्ड्स में ज़्यादातर देखा है भाई जो बर्ड्स पहली बार अंडे देते हैं उनके ख़राब ही निकलते हैं यार, क्या पता यार क्या हो गया ऐसा। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई, चलते हैं। तो अभी कल हमें काम करना है हमारे केज के ऊपर जो पत्रा है ना भी, उसको व्हाइट कलर देना है, ठीक है, और बहुत सारी ना ये सब साफ सफाई भी करनी है। तो मिलते हैं भाई कल की वीडियो में, चलते हैं।